Hello students, greeting to all. Today we are going to start punctuation. So look at board. देखिए हमारा जो टॉपिक है आज ये है पंचवेशी। पंचुएशन क्या होती है, ये ध्यान से देखना। पंचुएशन क्या होती है, पंचुएशन क्या द मार्क ऑफ द पंचुएशन आर यूज इन द रिटन टेक्स्ट दैट मेक द मीनिंग क्लियर। अब पंचुएशन डेफिनेशन आपकी बुक से ही मैं लिख रहा हूं। द मार्क ऑफ द पंचुएशन, द मार्क्स ऑफ पंचुएशन आर यूज In written text, written text to make the meaning clear, to make the meaning clear। तो इसमें हम जैसे एक पंचुएशन मार्क क्या लगाते हैं, जैसे फुल स्टॉप होती है, जैसे फुल स्टॉप लगा दी, ठीक है। क्या फिर क्या लगाते हैं, जैसे कोमा, ये जैसे मान लो मैं लगाता हूँ फुल स्टॉप, कैसे होती ये फुल स्टॉप। फिर है कोमा, कोमा में कैसे लगाते हैं, हम कोमा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन ऐसे ये निशान होता है मार्क ऑफ इंटरोगेशन का, ठीक है। और देखो इसके बाद क्या लगाते हैं पंचुएशन में, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है ऐसे। आगे फिर होता है जैसे इन्वर्टेड कोमा, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज हम लगाते हैं ऐसे और ऐसे, इसके बीच में कोई सेंटेंस जाता है, ठीक है। ये जो पंचुएशन है ये हम यूज करेंगे रिटन टेक्स्ट में टू गिव द मीनिंग क्लियर, कोई मीनिंग जो क्लियर करने के लिए, कोई डेफिनेशन क्लियर करने के लिए वी यूज द पंचुएशन मार्क्स। अब देखिए मैं डिटेल में आपको समझाता हूं कैसे आपने करना है। अब देखिए यहां पे फर्स्ट है फुल स्टॉप, पहले हम करेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज होती है, देखिए फुल स्टॉप यूज है, देखिए हम यूज करेंगे फुल स्टॉप बिफोर द या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जैसे शी इज गुड, अब स्टार्टिंग करी हमने यहाँ पे शी इज गुड, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे जब एंड हो जाएगी, एंड ऑफ द सेंटेंस स्टार्टिंग करके जब एंड हम करेंगे तो एंड ऑफ द सेंटेंस भी हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। आगे फिर जैसे ये है और फुल स्टॉप का यूज करें, कई बार हम एब्रीवेशन करते हैं जैसे एम ए ऐसे एम ए, इस एब्रीवेशन में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, तो ये आपको फुल स्टॉप का यूज है। अब नेक्स्ट में करता हूं कोमाज, मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं कोमा, कोमे का यूज कहां पर होगा, कोमे का यूज ज्यादा होगा कोमा, कोमे का यूज कहां पर होगा। देखिए फर्स्ट आपकी बुक में दिया था टू सेपरेट द थ्री और मोर वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, हम क्या करेंगे दो या तीन चीजें अलग अलग करने के लिए सेपरेट करेंगे, जैसे ये है रवि, मोहन एंड सो। अब यहां पे देखिए, अब देखिए दो तीन जो चीजें हैं, कोई चीज है या कोई नाउन, उसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं कोमे, सेपरेट थिंग्स, ठीक है। फिर अगर टू सेट ऑफ अ नाउन ऑफ एड्रेस, हम किसी नाउन को एड्रेस करते हैं, किसी नाउन को एड्रेस करते हैं, जैसे कहें कि मदर गिव मी मिल्क, अब यहां पे हमने किसको एड्रेस किया मदर को, मदर गिव मी मिल्क, तो हमने किसका यूज किया यहां पे कोमे का यूज किया है, समझाया आपको। आगे फिर देखिए अमन को बुला लिया, अमन को Yeah.
आगे देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बिफोर प्लीज और थैंक यू, बिफोर प्लीज एंड थैंक यू। ठीक है, प्लीज और थैंक यू से पहले भी हम यूज करेंगे कोमेगा। जैसे ये है, कैन यू हेल्प मी, हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, और यहां पे तुम्हारा आ रहा प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो प्लीज से पहले भी हम यूज करेंगे कोमेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जैसे विल यू हैव अ टी, विल यू हैव अ, विल यू हैव टी, और साइन ऑफ इंटरोगेशन नो, फिर करें थैंक्स। तो यहां पर भी हम दिए थैंक्स और प्लीज इनसे पहले भी हम कोमेगा यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें काफी रूल दिए हैं। आफ्टर एक्सप्रेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाउ एवर, मोर एवर, ये वर्ड्स हैं, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हाउ एवर, मोर एवर, दैट इज फैक्ट, तो इनके बाद भी हम सभी के बाद हाउ एवर है फिर कोमा, और फॉर एग्जाम्पल है फिर कोमा, मोर एवर है फिर कोमा, उनके बाद भी हम कोमेगा यूज करेंगे। यदि कुछ मेन मेन रूल मैं आपको और भी बता रहा हूँ, क्योंकि रूल काफी है इसमें, सारे बोर्ड पे नहीं होंगे, तो कुछ रूल और भी करवाऊंगा मैं आपको, कुछ रूल इसमें देख करवाता रहूंगा आपको। नेक्स्ट है फिर जैसे टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक यस और नो, ओ वेल, जैसे ये एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे यस का एक्सप्रेशन आ गया, नो, ठीक है, ओ और वेल, ये जो एक्सप्रेशन आए हैं इन क्या क्या, जैसे करेंगे हम यस वी हैव इट, वी हैव, या फिर जैसे नो या फिर ओ, तो इन सब के बाद कोमा आएगा। मान लीजिए सेम स्टेटमेंट है, तो इन सब के बाद कोमेगा यूज होगा, इन सब के बाद भी कोमे का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, टू सेट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इंटरप्ट द फॉलो अप सेंटेंस, जैसे इट इज, एज, फॉर, एज, ये भी है। अगला रूल, आप टू सेट ऑफ द इंट्रोडक्टरी फ्रेज, कोई फ्रेज है या सबोर्डिनेट क्लाउज है, जैसे ये आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर कोमा आएगा, तो वी वेंट फॉर अ वॉक, अपने बुक में देखिए बच्चों, आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर अ वॉक, तो आफ्टर डिनर के बाद कोमा, आफ्टर डिनर के यहां पे फ्रेज है। फिर जैसे इसमें क्या आएगा, सबोर्डिनेट क्लाउज, जैसे दो क्लाउज होती हैं, उसके बीच में भी कोमा आएगा। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूं, सेंटेंस ध्यान से देखना। अब इसमें है जैसे ये कहें कि आफ्टर सी बेक्ड, आफ्टर सी बेक्ड कुकीज, अब यहां पे कोमा आएगा, सी बेक्ड, आगे फिर एक सेंटेंस शुरू हो गया सी बेक, तो दो सेंटेंस, ये हमारा सबोर्डिनेट क्लाउज है, सबोर्डिनेट क्लाउज यानी हेल्पिंग सेंटेंसेस है ये हमारा, और ये प्रिंसिपल क्लाउज है, तो इसके बाद भी हम कोमेगा यूज करेंगे। इसके बाद टू सेपरेट पार्ट ऑफ द एड्रेस, जैसे एड्रेस को सेपरेट करते हैं, जैसे टू, जैसे 33 MG रोड, ऐसे लिखते हैं हम कहां पर, जो एड्रेस में अलग अलग लिखते हैं उसमें भी कोमेगा यूज करेंगे। एक है टू सेपरेट पार्ट ऑफ द डेट फ्रॉम द आइदर वर्ड्स, डेट, जो डेट हम करेंगे डेट में भी हम कोमेगा यूज करेंगे। कैसे, देखिए डेट और टाइम में, जैसे ये है डेट और सेंटेंस होता है, जैसे जैसे कहेंगे ऑन 10 जनवरी, ठीक है, 1990 कोमा दे मेट मी, ठीक है, तो यहां पर हमने जो यूज किया एक डेट के बाद जो सेंटेंस किया, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमेगा यूज करेंगे। समझा रहा बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद टू सेपरेट स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग, हाँ क्वेश्चन टैग जहां पर भी आएगा, मान लो कोई भी क्वेश्चन टैग मिलता है, क्वेश्चन टैग जैसे ये कहिए, ये कहूंगा वी सेल गो, अब यहां पे कोमा, हम क्वेश्चन टैग में क्या बनाऊंगा, सेल वी, तो यहां पे जो कोमेगा यूज होगा क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है, तो टू सेपरेट द डायरेक्ट स्पीच, जिसे डायरेक्ट लेट स्पीच करते हैं, उसमें भी यूज करेंगे डायरेक्ट स्पीच पे, कैसे डायरेक्ट स्पीच, जैसे सी सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आगे फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये इन्वर्टेड कोमास से पहले आएगा ये इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट स्पीच में यूज करेंगे, डायरेक्ट में नहीं। तो आफ्टर एडवर्ब, कोई एडवर्ब है अनफॉर्चुनेटली आफ्टर, ये पहले भी आया है, तो उसमें भी कोमेगा यूज करेंगे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो को, अब आगे देखिए बच्चों,
आगे हम करेंगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगला हमारा रहेगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन। कैसा निशान होता है इसका? ये निशान होता है। ये कब आएगा? जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे या तो वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्टिंग होगी या वो हेल्पिंग वर्ड जैसे डू यू, ठीक है, तो पीछे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। एक रूप दो तीसरा क्या होगा? क्वेश्चन टैग। ये पहले बता, क्वेश्चन टैग जैसे पहले जो मैंने समझा था, क्वेश्चन टैग में भी हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब नेक्स्ट में कराऊंगा आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में कैसे करेंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसा निशान होता है? ये एक डंडा, इसके नीचे फुल स्टॉप, ये होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका यूज कहां कहां पर करेंगे? इसका यूज करेंगे हम एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जैसे ये करेंगे व्हाट आर ब्यूटीफुल, जिसमें कहूंगा व्हाट आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सरप्राइज से रहे कितनी सुंदर बिल्डिंग, उसमें हम यूज करेंगे। और दूसरा कोई जिसे वर्ड्स होते हैं ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जैसे एलास इसके पीछे, ओ इसके पीछे, तो इनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है बच्चों, समझा रही है? हाँ। अब देखो नेक्स्ट हमारा एक दो पॉइंट और बचता है। नेक्स्ट में हम करेंगे अब कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स क्या होता है? बड़ी एबीसी। कोई भी नेम है, उसी नाउन का नाम, फर्स्ट नाउन, नाउन के साथ कोई भी नेम है, जैसे मोहन बड़ा लिखेंगे हम, सोहन, ठीक है, टॉम, नाम के आगे किसी कंट्री का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, जैसे इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश, ऐसे उसमें भी हम यूज करेंगे पंचुएशन का। इसके बाद हम करेंगे जैसे कोई प्रोनाउन आई, मान लो आई अगर सिंगल आएगी तो वो कैपिटल में आएगी, आई अगर सिंगल आएगी तो वो कैपिटल में आएगी। फिर आगे जैसे हम करेंगे फॉर द इनिशियल पीपल नेम, ये आ गया पहले, हाँ, फिर हम करेंगे द नेम ऑफ द डेज और वीक, जो डेज और वीक है उनमें भी हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, इसमें नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज या वीक, ठीक है, और या मंथ, तो मंथ में इसमें साथ में लिख देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे डेज का नाम जैसे संडे बड़ा आएगा, एस यू एन डी यू आई, संडे। वीक का नाम इसी में आ गया, डेज का नाम। मंथ का नाम जैसे फरवरी, फरवरी, ठीक है, इसमें भी एफ बड़ा आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे किसी बुक्स का नाम, देखिए ध्यान से, किसी देखिए बुक्स का नेम है, नॉवल का नेम है और फिल्म्स का नेम है, किसी भी बुक्स का नेम, फिल्म्स का नेम, ठीक है, किसी फिल्म्स का नेम, उसमें भी हम, या किसी फेस्टिवल का नेम, कोई फेस्टिवल भी हो सकता है, फेस्टिवल का नेम, उसमें भी हम बड़ा करेंगे। जैसे बुक का नेम है, ठीक है, कोई बुक का नेम आ सकता है, जैसे द गोदान, नोवल है द गोदान, फिल्म का नाम, किसी फिल्म का नेम है, ये सब बड़ा होगा, ये सब बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके रूल्स थे बच्चों, तो मैंने आपको जो करवाए हैं, बाकी रूल आपकी बुक्स में दिए गए हैं, आप रीड कर लेना। तो बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।